हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की व्याकरण की वर्कशीट देखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें प्रैक्टिस कराएं और आगे की क्लासेस के लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि जैसे जैसे आगे क्लासेस में बच्चे जाएंगे ये बेसिक ग्रामर उनको हिंदी की आनी ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद एक बार अगर आप बच्चों को अच्छे से सिखा देंगे ना, तो ये मैथ्स की तरह बच्चे आसानी से कर लेंगे। उनका जो कॉन्सेप्ट है वर्ण विच्छेद का, वो आप अच्छे से उन्हें सिखाएं। वर्ण विच्छेद पे एक सेपरेट वीडियो मैंने डाला हुआ है स्पेशली फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो बच्चों को सिखा सकते हैं उसकी हेल्प से। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी हम ये देखते हैं पहला शब्द प्रतिभा। तो जैसा उच्चारण होगा उसी प्रकार से जो हमारे वर्ण हैं उनका हम विच्छेद करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले प का फिर ती का फिर र का, नहीं, प्र। तो जो जैसा साउंड आ रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे। जैसे हम जब प्र बोल रहे हैं प्र, तो अ की जो ध्वनि है वो किसके साथ जा रही है, प के साथ कि र के साथ? आप एक बार बोलकर देखें प्र, तो प तो आधा ही आ रहा है और र के साथ अ की ध्वनि आ रही है, ठीक है। प्रतिभा, तो प इस टाइप से इसे आधा ही कहा जाता है, र और र के साथ अ की ध्वनि, ये हो गया अ। प र अ, फिर तीभा, ठीक है। तो त आधा और उसके ऊपर छोटी ई, तो छोटी ई, फिर भ आधा और आ स्वर, ये बन गया प्रतिभा, ठीक है। अगला देखिए धर्म, इसमें भी आधा रह है, पर यहां जैसे प के साथ नीचे रह था, यहां म के ऊपर है, पहले ध है और ध जो है वो पूरा है, धर्म, ठीक है। मैं भी पूरा है, आधा कौन है यहां पे, रह है सिर्फ, ठीक है। तो धर्म में ध आधा अ, ठीक है, फिर र आधा ही आएगा और म आधा और उसमें अ की ध्वनि, इस प्रकार। अगला देखिए नष्ट, अगेन इसमें जो श है वो आधा है, न अ श ट और अ, इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद बन जाएगा। कई बार इसी का ऑपोजिट पूछते हैं, जैसे ये वर्ण विच्छेद यहाँ पे दे देंगे और बच्चों को इनसे बनाकर शब्द लिखना है, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस दें। विदेश, तो व छोटी ई, द और ए और फिर श, इस प्रकार। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, यहां जब व्यंजन के ऊपर एक ए हम लिखते हैं ना, तो उसका मतलब है स्वर का ए, और जब व्यंजन पे हम अगर ऐसे दो मात्राएं लगाएंगे तो वो होगा हमारा स्वर का आई, ठीक है, इस टाइप से। अगला प्रश्न देखिए, अनुस्वर और अनुनासिक शब्द लिखो। ये पहला एग्जाम्पल दिया हुए हैं, एक एक उनके अकॉर्डिंग आपको इनकी तरह ही दूसरे शब्द लिखने हैं। अनुस्वर, तो अनुस्वर मतलब जिनमें सिर्फ एक बिंदी आती है ऊपर, और अनुनासिक जिनमें चंद्र बिंदु आता है। तो पहला शब्द है रंग, इसके बाद हो सकता है हमारा मंच, ठीक है, और संग, तंग, इस टाइप से आपको ये शब्द लिख देने हैं। और भी बहुत से शब्द होते हैं अनुस्वर से, आप लिख सकते हैं उनको। दंभ, आगे देखिए ऊंचे, ये एक अनुनासिक शब्द है, ऐसा ही आप दूसरा लिख सकते हैं। सांप, लहंगा, ठीक है, और लिख सकते हैं आप बांसुरी, और भी आपको जो शब्द आते हैं आप लिख सकते हैं। अगला देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, किसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये
इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, संज्ञा वाला जो वीडियो है, या आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। विशेषण क्या होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, उस पे भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण है बहादुर, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बहादुरी, ठीक है, बहादुर विशेषण है और उससे जो भाववाचक संज्ञा बनी वो बनी बहादुरी। ऐसे ही आजाद से बना आजादी, इस तरीके से। अगला देखिए, सफल से बना सफलता, महान से महानता, खुशहाल से खुशहाली, इस तरीके से। अगला देखिए, संयुक्त व्यंजन के दो दो शब्द लिखो। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं आपको पता ही है, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, वो जैसे कि इस तरीके से, ये हैं तीनों। तो आपको इन बॉक्सेस में दो दो एग्जांपल इन संयुक्त व्यंजनों को यूज करते हुए लिखने हैं। जैसे सत किस में आता है? नमस्ते में आता है, ये देखिए, ठीक है। समस्त में आता है एक कत, तो आता है वक्ता, ठीक है, और रक्त हो सकता है, तट तो ये आता है मिट्टी, और छुट्टी, इस तरीके से। ये जो संयुक्त व्यंजन है इनके जो शब्द बनेंगे ना उनमें मात्राएं तो यूज होंगी ही होंगी, ये नहीं है कि सिर्फ आप सत से सिंपल वाला जैसे यहां बन रहा है यहां बन रहा है ऐसे लिख दें, आप मात्राएं उनमें यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, क्रिया विशेषण शब्द लिखो। अब ये क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? क्रिया मतलब काम, वर्ब, और क्रिया विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। क्रिया कब, कहां, कितनी, कैसे हो रही है, ये बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब क्रिया कब हो रही है, टाइम हो सकता है, कहां हो रही है, जगह हो सकता है, कितनी हो रही है, कम या ज्यादा, और कैसे हो रही है, धीरे, तेज, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो होंगे, शब्द जो होंगे, वो क्रिया विशेषण होंगे, और हमें क्या करना है, क्रिया विशेषण शब्द को यहां से छांट कर बॉक्स में लिख देना है जो वाक्य दिया हुआ है। चींटी धीरे धीरे झरने पर आई, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे, वो कैसे आई, धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण हो गया धीरे धीरे। कबूतर ने तेजी से पत्ता फेंका, तो तेजी से, ठीक है। वह शाम को मिलने आया, तो कब आया, शाम को। रोहन उसी जगह पर आया, तो ये हो गया उसी। वह जोर से चिल्लाई, तो हो गया जोर। ये हो गए हमारे यहाँ पे क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, समूहवाचक शब्द लिखो। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स, वैसे हिंदी में भी होते हैं। तो लोगों की भीड़, फूलों का गुलदस्ता, कलाकारों की टोली, नोटों की गड्डी, पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है, इस टाइप से। अगला प्रश्न देखिए, बहुवचन लिखो। यहां जो शब्द हैं उनके आपको बहुवचन लिखने हैं। सभा, सभाएं, ऐसे। चीज, चीजें, टोली, टोलियां, और ये बन जाएगा ली छोटी। बगीचा, बगीचे, आवाज, आवाजें, माला, मालाएं, इस प्रकार। अगला देखिए, संज्ञा व सर्वनाम छांट कर लिखो। यहां पे आपको क्या करना है कि जो वाक्य दिए हुए हैं
उनमें सर्वनाम और संज्ञा आपको अलग अलग करके छांट के लिखनी है। जैसे पहला वाक्य देखते हैं, वे आगरा गए, तो संज्ञा हुई आगरा और वे हुए सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रनाउंस। सर्वनाम पे भी सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, डिटेल उसमें मैंने बताया है कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला देखिए, उसने कहानी सुनाई, तो कहानी हो गया संज्ञा और उसने हो गया सर्वनाम। मैं बाजार गया, तो मैं हो गया यहाँ पे सर्वनाम, बाजार हो गया संज्ञा, तो यहाँ बाजार लिखेंगे, यहाँ मैं। वह कल पत्र लिखेंगे, तो वह हुआ यहाँ पे सर्वनाम, पत्र हुआ यहाँ पे संज्ञा। ठीक है, राजा को हमने देखा, तो राजा हो गया हमारा यहाँ पे संज्ञा और हमने हो गया हमारा यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर देने हैं। अगर आपको हिंदी में वर्ड्स जो आते हैं उनका मतलब पता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी किस टाइप की वीडियोज आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।